Hello, welcome back to Rendezvous with English with Ankur. You are learning pronunciation. मेरे साथ आप pronunciation सीख रहे हैं. मैंने आपको एक guide दी. मैंने आपको previous episodes में sounds बताए. I told you the sounds of vowels. I told you the sounds of consonants. मैंने उनका comparison भी show किया. कहाँ पर चा है, कहाँ पर था है, कहाँ पर फा है. ठीक है, तो अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया है, if you have studied them nicely, if you have studied them properly, then now it is the time to start with the sentences. जो चैलेंज है बोलने का, क्योंकि प्रेजेंटेशन सीखने के लिए सबसे पहले तो साउंड्स आनी चाहिए. तो साउंड्स तो मैंने आपको सिखाई है ना. तो जब मैंने आपको साउंड सिखा दी है, तो अब बारी आती है आपको सेंटेंसेस सिखाने की. और हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे और आपके सामने प्रोनाउंस करेंगे. यू शुड रिपीट, बिकॉज जब आप रिपीटिशन करेंगे सेंटेंसेस का, तभी आप अच्छे से बोलना सीखेंगे. मैच करिए मेरे साउंड को, मैच करिए मेरे प्रोनाउंसिएशन को, तब आप अच्छे से सीख पाएंगे. समझ में आई बात? तो गुरु हो जा शुरू. तो आज प्रेजेंटेशन चैलेंज में हम देखते हैं सम 8 सेंटेंसेस. पहले फर्स्ट हाफ में 8 सेंटेंसेस देखते हैं. छोटे छोटे एपिसोड्स बनाए हैं आपके लिए और बनाऊंगा और बना रहा हूं, ताकि आप अच्छे से सीख सके. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. तो आइए देखते हैं. देखिए, ये है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. पहला सेंटेंस, आई वॉन्ट टू वॉक. ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आई वॉन्ट टू वॉक. वॉन्ट, देखिए माउथ जो लिप्स हैं वो घूमते हैं, राउंड होते हैं. आई वॉन्ट टू, वांट नहीं, आई वॉन्ट टू वॉक. ठीक है, नाउ दूसरा सेंटेंस देखिए. ईट ईच ग्रीन पी. ईट ईच ग्रीन पी. ईट ईच ग्रीन पी. ठीक है, ये है नेक्स्ट सेंटेंस, ईट ईच ग्रीन पी. ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड वन इज ही सेट गेट रेडी. ही सेट गेट रेडी. ही सेट गेट रेडी. ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज इट्स इन इटली. इट्स इन इटली. इट इज है, एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है ना इसमें. सो इट्स इन इटली. It's in Italy. The fourth sentence is I tried my kite. I tried my kite. I tried my kite. ठीक है, धीरे धीरे टफ बनाएंगे. अभी तो ये जनरल सेंटेंसेस हैं, फिर जब रोजमर्रा की जो लाइफ में सेंटेंसेस आते हैं उसको हम देखेंगे. ठीक है, नाउ ओक्स ग्रो स्लोली. ओक ट्री होता है ना, ओक्स ग्रो स्लोली. ओक्स 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 ग्रो स्लोली. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है. फादर वॉज काम. काम, फादर वॉज काम. कालम नहीं, कालम नहीं है, एल नहीं प्रोनाउंस करना है. फादर वॉज काम एज ही थ्रू द बॉम्ब ऑन द डॉग. फादर वॉज काम एज ही थ्रू द बॉम्ब ऑन द डॉग. ठीक है, फादर वॉज काम एज ही थ्रू द बॉम्ब ऑन द डॉग. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, द लास्ट वन इन दिस सीरीज, इन दिस फाइल, एम स्ट्रेट एट द गेट. एम स्ट्रेट एट द गेट. एम स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट, स्ट्रेट. मेरे लिप्स का आर्टिकुलेशन देखिए. आर्टिकुलेशन मीन्स कैसे मूवमेंट हो रहा है माउथ का, लिप्स का. एम स्ट्रेट एट द गेट. अब एक बार इन सेंटेंसेस को और ऑल 8 सेंटेंसेस को हम देखते हैं. तो पहला क्या है, आई वॉन्ट टू वॉक. आई वॉन्ट टू वॉक. सेकेंड है ईट ईच ग्रीन पी. ईट ईच ग्रीन पी. थर्ड इज ही सेट गेट रेडी. ही सेट गेट रेडी. देन नेक्स्ट वन इज इट्स इन इटली. इट्स इन इटली. फिफ्थ वन इज आई ट्राइड माई काइट. आई ट्राइड माई काइट. सिक्स वन इज ओक्स ग्रो स्लोली. ओक्स ग्रो स्लोली.
The seventh one is, father was calm as he threw the bomb on the dog. Father was calm as he threw the bomb on the dog. And the last one, aim straight at the gate. Aim straight at the gate. ठीक है, तो ये थे sentences. ये पार्ट. अब इसके बाद next few sentences. ठीक है, तो इनको प्रोनाउंस करिए, फिर आगे के अगले सेंटेंसेस हम बताते हैं. ठीक है, अब नाउ सी द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस. अगले सेट सेंटेंसेस के देखिए, थोड़े से डिफिकल्ट साइड में है ये सेंटेंस आपके लिए, थोड़े से टफ सेंटेंस मैंने ये चुने हैं. अब देखिए ये सेंटेंस, एन ऑड ऑडियंस अप्लॉडेड क्लॉट. एन ऑड ऑडियंस applauded Claude. An odd audience applauded Claude. ठीक है, next one is, go slow Joe, you are stepping on my toe. Go slow Joe, you are stepping on my toe. Go slow Joe, you are stepping on my toe. ठीक, now the third sentence, sauce makes the goose more succulent. Sauce makes the goose more succulent. Succulent, succulent नहीं, succ में हल्का सा या जुड़ा हुआ है. Sauce makes the goose more succulent. Succulent means juicy. मैगी पीते सड़कने सड़पने वाली वो वाली succulent. That is called succulent. So sauce makes the goose more succulent. Now next one. Up the bluff. Bud runs with the cup of love. Up the bluff, Bud runs with the cup of love. Up the bluff, Bud runs with the cup of love. ठीक, next one, Ned led men to the heifer that fell in the hill. Ned led men to the heifer. Ned led men to the heifer that fell in the hill. ठीक, समझ में आया? तो और the last one in this series, maimed animals may become mean. Maimed, maimed means इनके हाथ पैर कट जाते हैं. Maimed animals may become mean. Maimed animals may become mean. तो एक बार इन all six sentences का repetition कर लेते हैं. An odd audience applauded Claude. An odd audience applauded Claude. Go slow Joe, you are stepping on my toe. Go slow Joe, you are stepping on my toe. Sauce makes the goose more succulent. Succulent. Sauce makes the goose more succulent. देखिए, याद रखिए कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे लगातार, कई बार बोलिए जो सेंटेंसेस मैं लाया हूं, ये बहुत रिसर्च किए हुए सेंटेंसेस हैं, और जब आप इनको अच्छे से बोलना सीख जाएंगे तो डे टू डे सेंटेंसेस तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएंगे. ठीक है, तो पहले तो ये आने चाहिए. Sauce makes the goose more succulent. Up the bluff, Bud runs up with the cup of love. Up the bluff, Bud runs with the cup of love. Ned led men to the heifer that fell in the hill. Ned led men to the heifer that fell in the hill. और last है, maimed animals may become mean. Maimed animals may become mean. तो ये थे आज के सेट ऑफ सेंटेंसेस. इन एपिसोड्स में जिस तरीके से मैंने आपको प्रोनाउंस करके बताया है, उस तरीके से करिए. अगर आपको कहीं पर साउंड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे वाले एपिसोड्स में जाइए, साउंड्स की थोड़ी सी स्टडी फिर से करिए. तरीका मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है. वंस यू विल प्रैक्टिस देम प्रॉपरली, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू देम प्रॉपरली. उनको अच्छे से आप प्रोनाउंस कर पाएंगे. तो ये आज के एपिसोड्स के सेंटेंसेस थे. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट सेंटेंसेस ऑफ द टुडेज एपिसोड्स. होप यू हैव लर्न देम प्रॉपरली. आपने अच्छे से सीख लिए हैं प्रोनाउंस करना. नहीं सीखे हैं तो बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे. एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अगर आपको लग रहा है कि मेरे एपिसोड्स आपको बेनिफिट कर रहे हैं. हाँ, बोलना जारी रखिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रोनाउंस करना कंटिन्यू नहीं करेंगे, प्रोनाउंसिएशन भूल जाएंगे, टंग उतनी अच्छी नहीं होगी. तो टंग को अच्छा करने के लिए पहले तो खूब सारी प्रैक्टिस करिए, फिर व्हेन यू
speak up in your day-to-day life, different words every day, different sentences every day, you will definitely be able to speak or do pronunciation correctly. Got it? Enjoy the video. Do like, subscribe and share. Bye. Take care.